स्टूडेंट्स, दिस इज योर टीचर रुबैका दे, वेलकम बैक टू आवर नॉलेज स्पॉट। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू सॉल्व चैप्टर नंबर 7, लाइक एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 7। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं चैप्टर नंबर 7 की, वो जरा नोट डाउन कर लें। मतलब ये भी एमसीक्यूज में ऑफ कोर्स और मे बी पूछी जा सकती हैं, लाइक सिंबल। तो क्योंकि ये चैप्टर जो है वो आपके पास इनइक्वालिटीज़ का है, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको वो सिंबल पता होना चाहिए, व्हाट इज़ द सिंबल दैट वी यूज़ फॉर इनइक्वालिटी। सो द वेरी फर्स्ट सिंबल दैट्स लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ये हैं इसके 5 सिंबल्स फॉर इनइक्वालिटी। इक्वालिटी का सिंबल एक ही है, दैट इज़ इक्वल साइन, एंड इनइक्वालिटी के ये 5 सिंबल्स हैं जो कि आपने अपने माइंड में रखना है या आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं एब्सोल्यूट की, यहाँ जो एक नई चीज़ है एब्सोल्यूट, या सबसे पहले हम ऐसा करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी को देखते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें x की पावर 1 होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन, तो देखिए लीनियर इक्वेशन तो जैसे ये है, अगर इसकी जनरल बात की जाए इसकी इक्वेशन, तो वो ये है ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर फर्दर और बात की जाए, जैसे हम 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पर x की पावर क्या है 1। और लीनियर इनइक्वालिटी क्या है, जिस ये दोनों बिल्कुल सेम है, फ़र्क क्या है कि यहाँ इक्वेशन है तो इक्वल आएगा, ये लीनियर इनइक्वालिटी है तो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो आएगा। लेस देन कर लें, ग्रेटर देन कर लें, इनमें से कोई भी एक आप ऊपर ये पुट करके इसको बना सकते हैं, ये लीनियर इनइक्वालिटी होती है। लीनियर मीन्स द पावर शुड बी 1, ये एक मेन चीज़ है। और इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि इनइक्वालिटी साइन यूज़ होगा। तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं प्रॉपर्टीज़ जो एब्सोल्यूट की एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं, बल्कि एमसीक्यूज़ में इसमें आया भी है। जैसे ये एक एब्सोल्यूट है, जब हम किसी नंबर का एब्सोल्यूट मालूम करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है और इक्वल टू ज़ीरो होगा या पॉजिटिव होगा, यानी कि नेगेटिव कभी भी किसी नंबर का एब्सोल्यूट नेगेटिव नहीं होता, या इक्वल टू ज़ीरो होगा। या देखें माइनस ए, अगर हम किसी फ़र्ज करें किसी नंबर का एब्सोल्यूट ले भी लेते हैं तो वो भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्या होंगे, वो सेम होंगे। जब उसके एब्सोल्यूट लेंगे तो दोनों बराबर आ जाएंगे। मीन्स ये अगर माइनस 3 का एब्सोल्यूट लिया जाए और प्लस 3 का एब्सोल्यूट लें, दोनों के आंसर बिल क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। नेक्स्ट, जैसे हमने रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है कि जब हम दो नंबर्स का मीन्स यू रेडिकल लेते हैं तो हम इसको इकट्ठा इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसी तरह से एब्सोल्यूट में अगर कोई दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उसको सेपरेटली लिख सकते हैं। इसी तरह से रेडिकल में आपने क्या पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, कि अगर दोनों पर अलग अलग इसका रेडिकल अप्लाई हम करते हैं तो हम इसको सेपरेटली ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी तरह से एब्सोल्यूट में क्या है, अगर दोनों का इकट्ठे डिवाइड कर दें तो हम उनको अलहदा कर सकते हैं, ए का एब्सोल्यूट और बी का एब्सोल्यूट। कभी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता तो इस साइड पे लिख दें कि बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो एमसीक्यूज़ में यहाँ से ये चीज़ पूछी जा सकती है। नंबर 1 ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ थी। अब हम चैप्टर पे आते हैं, तो हमारे पास जो चैप्टर है इसमें वैसे यहाँ से आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी के जो डेफिनेशंस है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये देख लें यहाँ पर सारी ये इन दो पैराग्राफ्स को आपने पढ़ना है, यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन मिलेगी। यहाँ देखें, यहाँ मेन इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल एक्स इज़ एन इनइक्वालिटी इन विच द वेरिएबल एक्स अकर ओनली टू द फर्स्ट पावर एंड हैज़ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म वेयर ए बी आर द रियल नंबर्स। ठीक है, इसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी एक चीज़ से, तो ये रहती आपके पास इनइक्वालिटी या लीनियर इनइक्वालिटी ही होगी। ओके, अब हमारे पास इसके एमसीक्यूज़ हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसके एमसीक्यू ये कि ट्रू फॉल्स हैं, पॉसिबिलिटी है कि ये आपके पास एज इन एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। तो देखें सबसे पहले आपके पास क्या है, एक्स एब्सोल्यूट ज़ीरो हैज़ ओनली वन सोल्यूशन, इसका अगर कोई ज़ीरो है तो ज़ीरो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव, तो ऑफ कोर्स इसका एक ही सोल्यूशन होगा, इसका कोई और सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन हैव टू सोल्यूशन, ज़रूरी नहीं होता कि दो सोल्यूशन हो, कभी एक भी हो सकता है, एक उसको सेटिस्फाई ना करे तो फिर हम बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इसके दो सोल्यूशन हो, बल्कि एक ही सोल्यूशन हो सकता है सम टाइम। अब द इक्वेशन दिस, इस चीज़ को देखें, इसको इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं कि दरमियान में इक्वल का साइन है, इज इक्वल इन टू एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। मीन्स जब हम एब्सोल्यूट को हटाते हैं तो एक दफ़ा प्लस लगाएंगे और एक दफ़ा माइनस लगा देते हैं। द इक्वेशन दिस हैज़ नो सोल्यूशन, अब ये क्या कहना चाहते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। मीन्स अगर मैं इसको इस तरह से लिए, ये कहते हैं एक्स माइनस 4 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू माइनस 4। हम ये कहते हैं कि हम किसी भी चीज़ का एब्सोल्यूट अगर ले लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव। मतलब आप किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट लेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, जबकि ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब ये तो गलत है, मतलब ये तो सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होगा, तो हैज़ नो सोल्यूशन। और ये देखें इस तरह की जो इक्वेशन होती है किसके बराबर होती है, एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा क्या लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं, ये गलत है क्योंकि दोनों पॉजिटिव नहीं होते, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं, और इन्होंने दोनों को ही 5-5 लिख दिया, इट मीन्स ये क्या है, फॉल्स है। अब आज जो हमारे एक्चुअल में एमसीक्यूज़ हैं इस एक्सरसाइज के चैप्टर के,
तो पहला देखें हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, कि इसका कौन सा सोल्यूशन है। अगर आपको यूँ समझ ना आए कि अब क्या मतलब पुट करना टाइम नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसको हम यूँ भी कि हमारे एज ए क्वेश्चन है, मीन्स हम इसको यूँ सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे एम सी क्यूज़ है, नंबर वन दिस इज़ 3 - 4x < 11। हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखें तो ये -4x है, ये 3 प्लस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस कर लें तो आपके पास क्या 11 - 3 दैट इज़ 8 -4x। अब -4 है, डेफिनेटली हमें इस -4 को मल्टीप्लाई करना है, इसको पहले ख़त्म करना है। तो अगर हम यूँ कर लें कि दोनों तरफ तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं ताकि हमारा माइनस क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, मतलब -1 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कराएं, यहाँ भी। और जब नेगेटिव, ये मैंने आपको किसी, मेरा ख्याल है चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में MCQ का क्वेश्चन था, तो वहाँ पर ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी है कि इनइक्वालिटी क्यों चेंज हुई है। तो जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स द इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड, यहाँ पर आएगा 4x > 8 -8। अब 4 मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 8 / 4 दैट इज़ x > -2। तो इसका सोल्यूशन है x > -2। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो क्या है, ये वाला इसका आंसर आएगा, ये जो फर्स्ट वाला इसका आंसर है -2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें आपके पास क्या है, अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एनी ऑफ द सिंबल दिस, ये कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसके ये सिंबल्स होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे इनइक्वालिटी बोलते हैं। x = - इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, यहाँ पर हम इसको इसमें कोई एक सोल्यूशन, कोई आंसर पुट करके देखते हैं कि इसका क्या आंसर बनता है। तो हम इसको क्या सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इसमें कुछ वैल्यू है जो हमारे पास है ये सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या इसका ये आंसर आ रहा है कि नहीं। तो ये देखें इसमें हम पुट करते हैं, आपके पास क्वेश्चन है आपका दैट इज़ -2 < x < 3/2। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें सबसे पहले इसका जो एक राइट ऑप्शन बनता है 0 है, हम ज़रा पुट करके देखते हैं, -2 < 0 > ये इस तरह से आप इसको पढ़ें और इसको अलहदा से पढ़ें, मतलब यूँ इसको रीड करें फिर इसको इस तरह से रीड करें। तो अब देखें कि 0 > है -2 से, हमें पता है कि 0 बड़ा है -2 से, और हमें ये भी पता है कि 0 > है 3/2 से। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर, अगर हम नंबर लाइन की बात करते हैं, ये 0 है, ये +1, जैसे ये +2 सोन चलते जा रहे हैं, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव चलते जा रहे हैं, हमारा जो 0 है इन सब से क्या है, ये लेस है, और 0 इन सब से क्या है, इन सब से 0 जो है लेस है, और इन सब से 0 > है, मतलब 0 जितने पॉजिटिव नंबर है उन सबसे छोटा नंबर है। लेकिन इस कैटेगरी को अगर हम ख़त्म कर दें और यहाँ देखें तो 0 इन सब से क्या है, ग्रेटर है। तो 0 > है -2 से और लेस है 3/2 का मतलब है 1.5। तो इसका मतलब है जो हमारा जो राइट आंसर है वो ये 0 है। एक्स इज़, ये बहुत MCQ पेपर में आया है, देखें एक्स इज़ नो लार्जर देन 10, एक्स बड़ा नहीं है 10 से। अगर तीन ही रिलेशन ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी पड़ी थी, या लेस या इक्वल या ग्रेटर, तो अब देखिए उसने बोला एक्स इज़ नो लार्जर देन 10, एक्स बड़ा नहीं है जो 10 से। तो इसका मतलब है हमारे पास एक ही ऑप्शन बनती है, एक्स लेस है या इक्वल है किससे, 10 से। तो राइट ऑप्शन ये है हमारी। इफ़ द कैपेसिटी सी ऑफ एन एलिवेटर इज़ एट मोस्ट 1600 pounds, देन व्हाट विल बी हैपन। एक्चुअली क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो हम कैपेसिटी किसी एलिवेटर की जो कैपेसिटी है वो बस ज़्यादा से ज़्यादा 1600 है, इससे ज़्यादा एक एलिवेटर को उठाने की इस ज़्यादा उसके पास कैपेसिटी नहीं है। तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा कितनी है, 1600, या इससे कम है या खुद 1600 इसकी लास्ट लिमिट है। तो हम बोलेंगे कि जो उसकी कैपेसिटी सी फॉर कैपेसिटी लेस है किससे, 1600 से, या उसके इक्वल है, इससे ज़्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है कि उससे ज़्यादा चीज़ों को उठाए या लेके जाए, तो सी ग्रेटर देन ये नहीं हो सकता। तो सिर्फ यही है कि C < = 1600। नेक्स्ट देखें, x = 0 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, चेक करते हैं जो राइट ऑप्शन में ही करके देखते हैं इंसर्ट। तो देखें आपका जो क्वेश्चन x - 2 < 0, x की वैल्यू 0 है, 0 यहाँ पुट करके देखें तो 0 - 2 क्या है, -2। तो आपने देखा है कि हमारा 0 हमेशा ग्रेटर होता है माइनस से, नेगेटिव नंबर से 0 हमेशा क्या है, ग्रेटर है। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन आपके पास ये है। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। तो ये इसके सिंपल MCQs हैं। अब आ रहे चैप्टर नंबर 8 के जो MCQs हैं हमारे पास, चैप्टर नंबर 8 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक हमारे MCQs हैं वो हैं ही थोड़े से बड़े आसान से MCQs हैं चैप्टर 8 के। ये देखें, चूज़ द करेक्ट आंसर्स, हमने यहाँ से करेक्ट ऑप्शन जो है सेलेक्ट करनी है। x - 1, ये पेपर में आया हुआ है, कॉमा y + 1 = 0, हमारे दो ऑर्डर पेयर जो हैं बराबर हैं। तो इसका मतलब है अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट, दिस इज़ x - 1, y + 1 = 0, 0। हम कह देंगे x - 1 भी 0 है
और y प्लस वन भी ज़ीरो है, ये माइनस है वहाँ जाके माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो जो एक्चुअल आंसर है वन कोमा माइनस वन, हमारा ऑर्डर पेयर बन रहा है वन कोमा माइनस वन, द राइट ऑप्शन इज ए। देन नंबर टू देखें, x कोमा ज़ीरो और ज़ीरो कोमा वाई, इट मीन्स हमारा x जो है x इज इक्वल टू ज़ीरो है और y भी क्या है ज़ीरो है, तो दोनों आंसर क्या आ जाएंगे ज़ीरो ज़ीरो, द राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट देखें ये किस क्वाड्रेंट में लाइक करते हैं, मैं सबसे पहले आपको एक ज़रा चीज़ बना के ये चीज़ सिखा दूँ, पहले आप ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखें कि ये कार्टेशियन प्लेन है हमारा इस तरह से, दिस इज़ द कार्टेशियन प्लेन, इसको बोलते हैं ओरिजिन, दिस इज़ योर ओरिजिन, ये आपके पास ओरिजिन है, ये आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज़ ऑल्सो योर एक्स एक्सिस विद द नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये है नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, यहाँ पर हमारे पास फोर क्वाड्रेंट हैं, वन टू थ्री एंड फोर, फोर क्वाड्रेंट हो गए। ओके, हमारे पास यहाँ पर क्या है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई और क्या है ये एक्स वाई, ये सारे एक्स वाई हो गए। अब हमने इसमें जो वैल्यू जो पुट करनी है, जो हमने चीज़ें कुछ लिखनी है ढूंढनी है, वो क्या है वो देख लें आप। ओके, यहाँ देखें हमारे पॉजिटिव नेगेटिव को हमने देखना है, हमारा जो ये एक्स वाई है ये किससे बन रहा है, इससे और इससे मिलके ये चीज़ बनती है, तो हम बोलेंगे ये हमारा पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों क्या साइन आएंगे प्लस प्लस। अब इसको देखें तो ये हमारा नेगेटिव है, ये नेगेटिव एक्सेस है तो माइनस हो गया और वो क्या हो गया प्लस हो गया। उसके बाद यहाँ देखें ये हमारा एक्स वाई है, ये हमारा एक्स क्या है नेगेटिव और ये भी वाई क्या है नेगेटिव, तो यूँ लगा दें ये हमारा एक्स पॉजिटिव है और ये वाई क्या है नेगेटिव, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, ये क्या होता है दोनों नेगेटिव और ये प्लस और माइनस। हमने यहाँ प्लॉटिंग करनी होती है। अच्छा, एक सबसे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, इसका नाम जो दो नाम होते हैं, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, लेकिन बोर्ड एग्जाम में या एग्जाम में जो पूछा जाता है इसका एक और नाम है, दैट इज़ एप्सीसा इसको बोलते हैं, हमारा जो ये नंबर है, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है, दिस इज़ एप्सीसा एंड दिस इज़ ऑर्डिनेट। उसके बाद देखें, अब हमने वो हमसे ये पूछते हैं कि कौन सा जो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है। लेट्स सपोज कर मैं आपको खुद से बता दूँ ये दोनों पॉजिटिव हैं, अगर प्लस नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव है, तो दोनों कहाँ लाई करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। लेट्स सपोज करें मैं यहाँ माइनस लगा देती हूँ, तो आप ढूंढें ये कहाँ लाई कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, यानी कि पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो ये माइनस प्लस ये सेकंड में लाई कर रहा है। अब मैं कहती हूँ ये दोनों नेगेटिव है तो थर्ड में लाई कर रहा है, लेकिन अगर हम इसको प्लस कर दें और इसको माइनस कर दें तो ये इसमें लाई कर रहा है। तो इस तरीके से आपने बताना होता है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। चलें, हमारा जो यहाँ पर था ये था प्लस टू और माइनस टू, तो चेक करें कि प्लस टू और माइनस जो थ्री है ये हमारा यहाँ पर लाई करता है, इसका मतलब है द राइट ऑप्शन इज़ डी। उसके बाद हमारे पास क्या है माइनस थ्री कहाँ लाई करता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यहाँ पर हमने कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो है ये है क्वेश्चन है y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, और उसने बोला है कि x की वैल्यू टू है तो y की वैल्यू क्या होगी, तो हम ज़रा पुट कर देते हैं सिंपल, इसमें x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपके पास क्या है टू है प्लस वन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा टू टू सा फोर प्लस वन। सोचिए कितना सिंपल है ये, सिंपल आपने सॉल्व करना है, तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई फाइव मिल गई, तो ये y की वैल्यू फाइव ढूंढें, y की वैल्यू ये आपके पास डी ऑप्शन है। विच ऑर्डर पेयर सेटिस्फाइज द इक्वेशन, हमने चेक करना है कि हमारा ये कौन सा ऑर्डर पेयर इसको सेटिस्फाई करता है, मीन्स हम इसमें पुट करके देखते हैं क्वेश्चन में कि इसमें इसको क्या सेटिस्फाई कर रहा है। हमारे पास जो मेन इक्वेशन है वो ये है, रैंडम हम अगर मैं फर्स्ट करें इसको बी को पुट करके दे लेती हूँ, याद रखें जो चीज़ पहले है वो एक्स है, जो बाद में वो वाई है, तो एक्स की वैल्यू टू है, यहाँ मैं एक्स की वैल्यू टू करके देखती हूँ ये टू हो गया, और वाई हमारे पास क्या है वन, टू टू ज़ा फोर, फोर इज़ इक्वल टू वन, बताएं क्या फोर इक्वल है, नो फोर इज़ नॉट इक्वल टू वन, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं, इस बात का मतलब होता है सेटिस्फाई करना, ये इसका सोल्यूशन नहीं है या इसको सेटिस्फाई नहीं करता। और अगर हम अब कुछ और करके देखते हैं, लाइक अगर मैं ऐसा करती हूँ कि जो सबसे पहला फर्स्ट ऑर्डर पेयर है वो सिलेक्ट करते हैं, हमारी जो मेन इक्वेशन है वो ये है, हमारा एक्स क्या है, हमारा एक्स क्या है वन है और हमारा वाई टू है, टू वन सा टू क्या हो गया टू, और ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ए है, क्योंकि इसने इसको क्या कर दिया है सेटिस्फाई कर दिया है। तो इस तरह से आपके पास क्या है ये हमारे सारे के सारे जो एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व हो गए हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से पेपर में से आते भी हैं। चलें, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।